हेलो फ्रेंड्स, मैं हर वीडियो में ऑलमोस्ट यही बोलती हूँ कि एक प्लांट के अच्छे ग्रोथ के लिए हर चीज़ ज़रूरत होता है। प्रूनिंग, पिंचिंग, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, हर चीज़ ज़रूरत होता है। आप इसको हमें अच्छा सा लुक देने के लिए आप इस चीज़ को मेंटेन करोगे तो आपका प्लांट बहुत ही खूबसूरत दिखेगा, हेल्दी दिखेगा और आपको भी देखकर उससे पॉजिटिव वाइब्स आएंगे। तो मैं ये हर वीडियो में रिपीट करती हूँ। आप बोलोगे कि हर बार तो ये यही बोलती हूँ, तो मैं ये बात इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मेरे साथ जो नए जुड़ रहे हैं उनको भी पता हो जाए। आपको तो फिलहाल पता ही है, लेकिन जो नए लोग जुड़ रहे हैं उन तक भी मेरी ये बात पहुँच जाए जो प्लांट का शौक़ रखते हैं और जिन्होंने अभी अभी जस्ट गार्डनिंग स्टार्ट करी है, उनके लिए ये मैसेज है। तो फ्रेंड्स, मेरी आज की वीडियो एक बहुत ही अच्छा होममेड फर्टिलाइज़र पर है और वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। आप देखोगे कि किस तरह से मैं इसको बनाई हूँ और ये कितना इफ़ेक्टिव है और ये कितना यूज़फुल है और इसमें क्या-क्या गुण है इन चीज़ों को, जिनको हम लोग हमेशा से फेंक देते हैं, लेकिन आज के बाद आप फेंकोगे नहीं। मुझे श्योरली पता है कि आप नहीं फेंकोगे। आप इसका जैसे मैंने बताया है उस तरह से यूज़ करोगे तो आप देखना आपके प्लांट में कितना अच्छा ग्रोथ करता है, कितना अच्छे से चमक आती है। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शाहिन, वेलकम बैक टू माई चैनल शाहिन गार्डन एंड टॉक्स। कैसे हो सभी? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने कामों में बिज़ी बिज़ी होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आज 6 छिलकों को मिलाकर एक साथ फर्टिलाइज़र बनाऊंगी। ये जो 6 छिलके होंगे वो इतनी ताकतवर खाद बनने वाली है जिससे कैसा भी आपका प्लांट हो, सूख गया हो या बिल्कुल ही मरने वाले कंडीशन में हो, ये खाद जब ये फर्टिलाइज़र जब उस प्लांट में जाएगा तो उसमें एक नई जान सी आ जाएगी और फल फूल वाले पौधे होंगे तो भर के इसमें फल आएंगे, भर के इसमें फूल आएंगे। तो ये कौन कौन से छिलके हैं वो मैं बताती हूँ और साथ ही इसके गुण भी बताऊँगी कि क्यों ये हमारे प्लांट्स हमारे पौधे के लिए इफेक्टिव है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे खीरे का यूज़ प्लांट में बताती हूँ कि खीरे का यूज़ किस तरह से प्लांट में करना है और क्यों करना है। क्यों इसलिए करना है कि खीरे में बहुत सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं फ्रेंड्स, जो हमारे प्लांट्स के लिए काफ़ी फायदेमंद है। खीरा में पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है और हम सभी जानते हैं हमारे प्लांट के लिए नाइट्रोजन काफ़ी काफ़ी महत्व रखता है। तो खीरे में नाइट्रोजन के साथ ही साथ फॉस्फोरस भी पाया जाता है जो कि हमारे प्लांट के लिए काफ़ी इफेक्टिव होगा और साथ ही पोटाशियम भी पाया जाता है जो हमारे प्लांट के अच्छे हेल्थ के लिए काफ़ी काम देता है। तो खीरा बहुत ही इफेक्टिव फर्टिलाइज़र की तरह काम करता है। अब चलो दूसरे के बारे में बात करते हैं कि दूसरा कौन सा चीज़ है जिससे कि हमारे प्लांट के अच्छे ग्रोथ में काम करता है। तो दूसरा फर्टिलाइज़र जो कि आपने पानी में अभी थोड़ी देर पहले देखा ही था कि वो था आलू का छिलका। आलू का छिलका जो कि हम लोग हर रोज़ यूज़ करते हैं आलू का, और आलू तो इजीली मिल भी जाता है तो इसका तो कोई टेंशन ही नहीं है। पर ये क्यों हमारे प्लांट के लिए फ़ायदेमंद है वो पहले जान लेते हैं, क्योंकि नीम हकीम खतरे जान नहीं होना चाहिए। कुछ भी ऐसे डाल दिए और वो सही नहीं होता है, ना हमारे खुद के हेल्थ के लिए सही होगा ना प्लांट के लिए सही होगा। तो आलू में, पोटैटो में आयरन पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, पोटाशियम पाया जाता है, फॉस्फोरस पाया जाता है, कैल्शियम, तांबा जैसे बहुत सारे फायदेमंद गुण पाए जाते हैं जिससे हमारे पौधे के प्रॉपर ग्रोथ होती है और साथ ही साथ ग्रोथ भी होती है और साथ ही साथ इसके जो जड़ होते हैं प्लांट के, रूट जो होते हैं वो भी मजबूत बनते हैं तो प्लांट हेल्दी रहता है। तो इस तरह से आलू जो है हमारे आलू के छिलके जो हैं हमारे प्लांट में काफ़ी काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। और दूसरा जो है वो प्याज के छिलके हैं। प्याज के छिलका जो होता है वो भी काफ़ी इफेक्टिव होता है, काफ़ी अच्छा फर्टिलाइज़र का काम करता है प्लांट में। क्यों काम करता है वो भी मैं साथ में बताती हूँ, क्योंकि प्याज में जो होता है सोडियम बहुत अच्छी मात्रा में मिल जाएगा आपको, साथ ही साथ सोडियम के साथ ही साथ आपको पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, फॉस्फोरस और साथ ही साथ विटामिन ए, सी और भी बहुत सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो हमारे प्लांट्स के अच्छे ग्रोथ के लिए काफ़ी काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, काफ़ी इफेक्टिव होगा, जिससे हमारा प्लांट हेल्दी रहेगा, स्वस्थ रहेगा, इसकी जड़ें मजबूत रहेंगी और भर भर के फल फूल आएंगे। तो प्याज का छिलका जो है बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है, तो उसको भी आप एज ए फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हो। ये बहुत ही ईजी मिलने वाला, घर में हर रोज़ हम लोग फेंकते हैं, उसको हम लोग प्लांट में अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड, ये सारे जो मैं छिलके बता रही हूँ, ये सारे छिलके सिर्फ प्याज ही नहीं, हर रोज़ हम लोग आलू का यूज़ करते हैं,
और खीरे का यूज़ एज ए सलाद करते हैं, प्याज का यूज़ करते हैं, तो ये सारे बहुत ही इफ़ेक्टिव मिलके सारे बहुत ही इफ़ेक्टिव फर्टिलाइज़र का काम करेंगे। आप एक बार इस वे से बना के देखो, और दो वे से बनता है, मैं दोनों वे यहाँ पे बताऊँगी। तो चलो अब तीसरा देखते हैं कौन सा चीज़ ऐसा है जो एज ए फर्टिलाइज़र प्लांट के लिए बहुत काम करता है। तो वेजिटेबल पिल्स, बहुत सारे वेजिटेबल्स ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सारे गुण पाए जाते हैं और हम लोग उसके छिलके को निकाल के बाहर फेंक देते हैं, तो वेजिटेबल पिल्स को भी आप, वेजिटेबल के छिलके को भी आप एज ए फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हो। बहुत ही इसमें ऐसे ऐसे एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो हमारे प्लांट्स के लिए, प्लांट्स के अच्छे ग्रोथ में काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो आज के बाद से आप इन छिलका जो आप यूज़ कर रहे हो सब्जी का, उसको फेंको मत, उसको एज ए फर्टिलाइज़र यूज़ करना, बहुत ही इफ़ेक्टिव रहेगा, बहुत ही अच्छा आपका फर्टिलाइज़र बन के तैयार होगा, बहुत ही ताकतवर फर्टिलाइज़र बनने वाला है ये। तो अब मैं यहाँ पे दूसरे छिलके की बात करूँगी जो हमारे प्लांट के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, और हम लोग आज से पहले इसको फेंक देते थे, बट आज के बाद से उसको फेंकना नहीं, उसको एज ए फर्टिलाइज़र यूज़ करना, यह हमारे प्लांट के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। और ये है केला, केला का छिलका। फ्रेंड्स, केला के छिलका में बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे पाए जाते हैं जो हमारे प्लांट के अच्छे ग्रोथ में काफ़ी यूज़फुल रहेगा। केला में पोटाशियम, विटामिन सी, B12, मैग्नीशियम और भी बहुत सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो हमारे प्लांट के अच्छे ग्रोथ में काफ़ी सहायक रहेगा। तो केला के छिलका को आज के बाद मत फेंकना, ये बहुत ही काम का है। इसको दो तरह से लोग यूज़ करते हैं, एक तो इसको ड्राई करके मिक्सी में पीस के, तो ये प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता है, तो इससे बेटर है कि इस प्रोसेस से करो। सारे चीज़ को मैंने इसको पानी में डाल दी हूँ। अब इसको 24 आवर्स के लिए इसको मैं छोड़ दी हूँ पानी में ढक के, फिर आगे का बताती हूँ कि मैंने क्या किया। तो फ्रेंड्स, यहाँ 24 आवर्स हो गए हैं, और 24 आवर्स के बाद आप देखो इसके पानी का कलर पूरा चेंज हो गया है। इसके सारे जितने भी मैंने चीज़ डाले थे, सारे के एलिमेंट्स अब पानी में पूरी अच्छे तरह से मिल गए हैं। तो अच्छा, एक बात और है कि सब जगह का वेदर कंडीशन अलग अलग होता है। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे वेदर कंडीशन बहुत हॉट है, बहुत गर्म होता है, तो इस वजह से यहाँ पे जल्दी फर्टिलाइज़र बन जाता है। लेकिन अभी कुछ जगहों पे ठंड स्टार्ट हो गई है, तो वहाँ के लिए 42 आवर्स सही रहेगा, 24 आवर्स में वो काम नहीं करेगा। तो अपने अपने जगह के अकॉर्डिंग ही काम करना चाहिए, क्योंकि वेदर का बहुत ज़्यादा, जैसे हम लोग के ऊपर वेदर का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, हम लोग के स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, उसी तरह प्लांट के ऊपर भी वेदर के कंडीशन का, वेदर बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, तो उसी हिसाब से आप अपना ये करो। अगर बहुत ज़्यादा ठंडा स्टार्ट हो गया तो 42 आवर्स रखो, नहीं तो बहुत ज़्यादा गर्म जगह पर रह रहे हो तो 24 आवर्स काफ़ी होता है। तो यहाँ पे देखो, मैंने इसको छाल लिया है, और ये देखो इसका कलर कितना ज़्यादा चेंज हो गया है। अब मैं इसको इस तरह से नहीं दूंगी, इस तरह से आप भी नहीं देना, इसको पानी में डाइल्यूट करके देना है, ठीक है। तो ये इस तरह से आप घर के पूरा जो छिलके हैं जो कि हम लोग फेंक देते हैं, उसको हम लोग एक पावरफुल फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ कर सकते हैं अपने प्लांट के ऊपर। अच्छा, ये जो बच गया है इसको मैं अभी फेंकूंगी नहीं, इसको भी मैं अभी पानी में सो करके एक दिन और रख दूंगी, फिर इसका भी यूज़ करूंगी, क्योंकि प्लांट्स बहुत सारे होते हैं तो एक दिन का जो कचरा होता है वो इनफ नहीं होता है, उस एक बकेट मेरे लिए काफ़ी नहीं है, मुझे और भी चाहिए था। तो ये तो बस 10-15 मेरे प्लांट पे जाएंगे, बाकी तो रह ही जाएगा। तो ये वाला जो रह गया है उसको भी एक दिन पानी में सोख कर दूंगी, उसके बाद फिर से उसको भी फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ करूंगी। तो ये देखो, यहाँ पे मैं पानी को, ये जो फर्टिलाइज़र है उसको पानी में डाइल्यूट कर दूंगी, पूरे फुल बकेट फुल होना चाहिए पानी का, एक मग अगर आपका फर्टिलाइज़र बन रहा है तो एक बकेट फुल पानी होना चाहिए, और इसको इस तरह से डाइल्यूट करके ही देना है। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं बता देती हूँ, इस फर्टिलाइज़र को सुबह में या दोपहर में नहीं देना है, जब भी आप इस फर्टिलाइज़र को बनाओ तो इवनिंग टाइम में, शाम के टाइम में देना, और यहाँ पे मैं दे रही हूँ। और आपका मिट्टी अगर ड्राई है तो बहुत अच्छी बात है, तब ज़्यादा काम करेगा आपका फर्टिलाइज़र प्लांट पे, तो मिट्टी ड्राई होने से ज़्यादा सही रहेगा। तो इस तरह से मैं अपने सारे प्लांट को पूरा फर्टिलाइज़र दे दूँगी, और ये जो फर्टिलाइज़र है काफ़ी अच्छा होगा मेरे प्लांट के अच्छे ग्रोथ के लिए। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो हो गई यहीं पर ख़त्म। अगर मेरी वीडियो थोड़ी भी यूज़फुल लगे तो लाइक करना और कमेंट करना, और मुझे दे इजाज़त। कल फिर एक नया टॉपिक, नए वीडियो के साथ मिलूंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। टेक केयर, सब अपना बहुत सारा ख्याल रखना, और मुझे दुआओं में याद रखना। ओके जी, बाय फैन वाला, बाय 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 बाय।